हम इलेक्ट्रॉन मीडिया के मेरे साथियों भाइयों बहनों इस संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं हमारे आए हुए अतिथिगण ये इस संस्थान का जो स्थापना किया गया था आज से वर्ष दो वर्ष पहले 2021 के दिसंबर में 2021 के दिसंबर में जब इसकी स्थापना की गई थी तो एक कल्पना की गई थी जब 2019 में कोविड वैश्विक कोविड कोरोना महामारी से जब पूरा दुनिया त्राहिमान था उस समय आप ही सभी देखते थे जो दो तीन लोग ये सड़क पर थे एक मीडिया के भाई बंधु थे पुलिस कर्मी थे कुछ स्वास्थ्य कर्मी थे तो स्वास्थ्य कर्मी का इतना इम्पोर्टेंस था जो 2019-20 में पूरी दुनिया को पता चला राज्य में किसी भी राज्य की स्थापना में किसी भी राज्य के विकास में सबसे पहले अगर राज्य के विकास में कोई भूमिका निभाता है तो शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण चीज है जिसके बिना किसी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता है और स्वास्थ्य एक ऐसा चीज है जिसके बिना किसी भी राज्य में विकास करने वाले लोग विकास नहीं कर पाएंगे ये बहुत बड़ा दोनों का आपसी सामंजस्य है तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब वैश्विक कोरोना महामारी आई थी तो उस समय WHO ने भी आगाह किया था कि पूरे दुनिया में जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की जरूरत है उसको कई गुना बढ़ाने की जरूरत है इसी क्रम में हम लोगों ने तय किया था कि क्यों नहीं इसे ऐसे मतलब प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जिस प्रशिक्षण संस्थान से लोगों को पढ़ाई करने के बाद तुरंत उनको नौकरी भी मिले जिससे हमारी सरकार में जो बेरोजगारी की समस्या शुरू होती है ये बेरोजगारी की समस्या भी खत्म होगी क्योंकि ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जिसमें हम लोग प्रशिक्षण कराने जा रहे हैं या करा रहे हैं अभी तक में वो सारे व्यावसायिक पाठ्यक्रम है SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा राज्य में 7 जगहों पर ऐसे संस्थानों के द्वारा प्रशिक्षण कराई जा रही है जिन सभी संस्थानों में सिर्फ व्यावसायिक पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जा रहा है और कुछ संस्थानों में जैसे हमारे उस हेल्थ वर्कर है जितने भी स्वास्थ्य में कंपाउंडर है नर्स है जो भी कोर्सेज होते हैं इसके जो प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं ये 7 संस्थान में कराए जा रहे हैं और इसी 7 संस्थान में एक संस्थान ये कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन जहाँ जिसके परिसर में भी हम लोग बैठ करके आपस में बातचीत कर रहे हैं ये वही कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है ये कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में जो पढ़ाई कराई जा रही है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्निशियन डिप्लोमा इन OT असिस्टेंट और सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर ये 7 कोर्सों में यहाँ पर प्रशिक्षण कराई जा रही है और ये सभी 7 कोर्स व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स है इसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत छात्र छात्राओं को नौकरी मिलना निश्चित रूप से तय है इसमें कोई शक नहीं है इसमें जो हमारे 3 कोर्सेज है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये 3 कोर्स में हमारे राज्य सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मेधावी एक योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इस योजना के द्वारा जो लोन दिया जाता है छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए जिससे पढ़ने के बाद अत्यधिक दरासी किस्तों में उसको वापस करना है नौकरी मिलने के उपरांत ये उस सुविधा से भी सुविधा मिलता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के इस 3 कोर्स में अगर छात्र छात्राएं जो दूर दराज के हैं पटना में आके पढ़ना चाहते हैं तो वो फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपी किसी भी कोर्स में नामांकन कराएंगे पढ़ाई के साथ साथ उनको पटना में रहने का और खाने का पूरी सुविधा पूरे कोर्स का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी ये हमारे सरकार की योजना के तरह है और संस्थान के द्वारा भी जो अन्य कोर्स जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं है उस वर्षों में आसान किस्तों पर मासिक किस्त पर भी छात्र छात्राएं नामांकन कराएंगे और अपना प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और सारे स्टूडेंट जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत उनको 100% कैंपस प्लेसमेंट की गारंटी हमारे तरफ से दी जा रही है उनको कैंपस प्लेसमेंट संस्थान के द्वारा कराया जाएगा तो ये सारी चीजें जो है आपके द्वारा आपके दर्शकों तक पहुंचाना था इसलिए आप सभी से मैं सहयोग का अपील करता हूं कि आप लोग सहयोग कीजिए और ये ऐसी चीज है जिसको अगर समाज में आप फैलाइएगा समाज में आप तक छात्र छात्राओं तक जिनको इसकी जरूरत है वहां तक पहुंचाइएगा तो शायद बिहार से पलायन भी रुक जाएगी छात्र छात्राओं का जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स आज हम लोग कराने जा रहे हैं वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए पहले लोग दिल्ली में बेंगलोर में अन्य जगहों पर लोग जाया करते थे होता ही नहीं था यहाँ पर 2019 से बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया इसे और पहला बैच जो हम लोग के संस्था के द्वारा संचालित तो समस्तीपुर में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस वहाँ इस कोर्स को कराया गया था तो ये
बहुत ही मतलब बहुवैकल्पिक विषय है जिसमें कि बच्चों को रोजगार मिलना निश्चित है। और साथ ही साथ आज इस संस्थान में इसी मौके पर हमने फिजियोथेरेपी का एक क्लिनिक और एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी का अस्पताल का भी मैंने उद्घाटन किया हूँ, जिसमें कि जो भी पेशेंट कहीं से आएंगे, जितने भी दूर दराज के फिजियोथेरेपी का इलाज कराने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी का जो कि बिल्कुल मेडिसिन रहित है, मेडिसिन उसको नहीं चाहिए, कोई भी उसको बीमार पड़ता है जो फिजियोथेरेपी के द्वारा ठीक हो सकता है, जहाँ की यहाँ आ करके वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फ्री में रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसका हमारे संस्था के टीम के द्वारा निःशुल्क इलाज कराया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी जो हम लोगों का पहल था, हम लोगों ने शुरू किया। पूरे बिहार से जहाँ से यहाँ पेशेंट आएंगे उनका निःशुल्क हमारे यहाँ इलाज कराया जाएगा। इसी के साथ अगर अब आप ये जो हमारे राज्य सरकार के एक बहुत मेघावी योजना है 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आर्थिक फल युवाओं को बल, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का संचालन किया जा रहा है। 17 से 25 साल के बच्चे जो बिहार के रहने वाले हैं, हमारे बिहार सरकार के द्वारा उनको 4 लाख तक का उनको भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिया जा रहा है। ये लोन जो है जब उनका प्रशिक्षण समाप्त होगा, जब उनको नौकरी मिलेंगे तो वो मासिक किस्तों में सरकार को वो लोन चुकाएंगे, जिसकी सुविधा भी हमारे संस्थान को उपलब्ध है सरकार के द्वारा। यहाँ जो भी बच्चे पढ़ेंगे उनका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा लोन मिलेगा और हॉस्पिटल मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये तीनों कोर्स में वो जो यहाँ रह के पढ़ेंगे तो उनके लिए पूरी खर्च सरकार के द्वारा ही दिया जा रहा है। राज्यों में भी पैरामेडिकल या तमाम कोर्सों के लिए आपने फिर आगे पैर बढ़ाया? नहीं, अभी हम लोगों ने बिहार में जितने संस्थानों की स्थापना किया है, पहला उद्देश्य है कि वो संस्थान से जितने बच्चे पास कर रहे हैं उनको नौकरी 100% मिले। इसके बाद अगर देखेंगे कि बिहार से बाहर हम लोगों को और भी काम करने की जरूरत है तो हम लोग बिहार से बाहर